हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर सर्विंग के क्वेश्चंस पहले भी लेके आ चुके हैं। सर्विंग लेक्चर्स के हमारे दो यहां पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं या फिर दो क्लासेस आपकी ऑलरेडी ली जा चुकी हैं। ये आपकी थर्ड क्लासेस हैं, हालांकि क्लास का टाइमिंग मैंने 3 PM बोला था, बट ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस यहाँ पर मेरे क्लासेस जो है आज शिफ्ट हो गई है। लेकिन देखो, कल से हम वही 3 बजे आपसे मिलने वाले हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वे की जो मैंने बात बताई थी कि जो ऐसे सर्विंग है, उस सर्विंग को हम उसी तरीके से वहां पर पढ़ने वाले हैं। सर्विंग के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मैं क्वेश्चंस अभी आपसे पूछूंगा, तो उसमें आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा मैक्स से मैक्स आप आंसर देने की कोशिश करना। तो देखो, यहां पर आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं हम आगे की तरफ। मैं बढ़ाता हूं आपका आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लेके आया हूं आपके लिए। तो देखें कि देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है यहां पर अपने को, वो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एक्चुअली, और आपसे पूछा हुआ है कि चलो ठीक है सर, इनमें से देख के बताया मेरे को कि कौन से स्टेटमेंट का ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो ये हल से क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा हुआ है यहां पर। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि सर ज्योडेटिक सर्वे कैन नॉट बी डन फॉर वर्क्स रिक्वायरिंग हाई प्रेसिजन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे अगर यदि सर्वे के बारे में बात करूं तो दो तरीके से मेरा सर्वे चलता है। पहला चलता है प्लेन सर्विंग, दूसरा चलता है ज्योडेटिक सर्विंग। अब देखो, दो स्टेटमेंट्स देखे वो आपसे क्वेश्चन पूछा है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस जो है बहुत ज्यादा, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, ऑप्शन जो है आप बता दें मेरे को, सिर्फ ये बता दें कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट मेरा गलत है, तो आप ये बताएं सबसे पहले। तो देखो, यहां पर मेरे को देखते साफ साफ पता लग रहा है कि जो स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि ज्योडेटिक सर्वे कैन नॉट बी डन फॉर वर्क्स रिक्वायरिंग हाई प्रेसिजन। ठीक है, तो यहां पर ज्योडेटिक सर्वे सबसे पहली बात तो ये कि मैं करता हूं लार्ज एरिया के लिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं करता हूं लार्ज एरियाज के लिए। दूसरी बात मेरे पास क्या निकल के आएगी कि सेकंड है यहां पर कि द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ ज्योडेटिक सर्वे। तो ये तो मेरा ऑब्वियस है ना कि अगर यदि मैं कर रहा हूं ज्योडेटिक सर्वे, तो उसके अंदर मैं क्या लूंगा कि अर्थ की कर्वेचर को मैं कंसीडर करूंगा। देखो, प्लेन सर्विंग करते हैं तो अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि जब मैं ज्योडेटिक सर्विंग के बारे में बात करूंगा तो यहां पर मैं कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो पहला कह रहा है आपसे हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो देखो, एक बार है आपने मान के करा है कि ऐसा प्लेन मान के, अगर आपने अर्थ को प्लेन मान के किया है, एक बार आपने अर्थ को जैसी कर्वेचर है वैसी की वैसी मान के किया है, तो आप कह सकते हैं कुल मिला के कि इसके अंदर आपने अर्थ की कर्वेचर को लिया है, तो यहां पर एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। यहां पर आपने अर्थ की कर्वेचर को अच्छे से नहीं लिया है, तो यहां पर आपके पास क्या आएगी, जो प्रिसीजन होगा वो लोअर डिग्री का होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है, और एक दूसरे का क्या है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका यहां पर मेरे को जवाब देंगे आप लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब दें। ठीक है, तो देखो बाकी सब लोगों के लिए सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड इवनिंग बोलना भूल गया हूं मैं। और देखो, 3 PM पे आपकी क्लासेस लग रही है, ये वाली क्लासेस आज थोड़े से किसी टाइम से थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टेज आ गया था, तो थोड़ा सा हमको पीछे करनी पड़ गई। बाकी देखें, इस क्वेश्चन को करने की सोचे, देखो यहाँ पर RRB के अंदर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, तो मतलब क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के आपके होने वाले हैं। तो देखें, करके बताएं यहाँ पर क्या आपके पास रहने वाला है, देखेंगे। अब देखो, यहां पर आपसे स्केल का क्वेश्चन है। अब स्केल का क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, रेशियो पूछा हुआ है इसने। आपको दे रखा है कि रेशियो क्या दे रखा है, 1 cm पर आपको दे रखा है 1 km। ठीक है, अब यहां से मैं इसको RF के फॉर्मेशन में लिखूं, तो यहां पर मेरा 1 cm तो इधर हो जाएगा, और यहां पर 1 km है, तो 1000 आप इधर लगा दो। ठीक है, 1 km देगा, 1000 आप इधर लगा दो। अब मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए आपको 00 और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, तो यहां पर देखो ये आपके पास क्या आ गए कि कुल मिला के 1 cm अपॉन यहां पर 1/10^5 के रेशियो चल रहा है क्या। आप बोलेंगे सर बिल्कुल चल रहा है। तो यहां पर आपका जो रेशियो चल रहा है 1:10^5 चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस तो आप मेरे ख्याल से आप कर ही लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस करने में आपको ज्यादा कोई दिक्कत आती नहीं होगी। आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आना चालू हो जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए हम। डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व वैल्यू इज। अब देखो यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा है आपसे कि आपकी अगर दो यहाँ पर क्वांटिटीज दे रखी है, एक है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एक दे रखी है आपको ऑब्जर्व वैल्यू। यानी मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर लगभग लगभग उतना आना चाहिए था, मेरे को पता है, और एक है मेरे पास क्या आ रहा है, एक है मेरे पास क्या आना चाहिए था। ठीक है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलता हूँ, तो इसके बारे में बताएंगे।
देखो बताएं जवाब दें। तो देखो ये जो है मेरा कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से मेरा जो ऑब्जर्व वैल्यू का रेफरेंस है ना, इसको मैं बोलता हूं जल्दी से ऑप्शन में, तो इसका मेरे पास निकल के आता है, इसको मैं बोलता हूं ट्रू एरर। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं क्या, ट्रू एरर। और यहां पर आप देखो, अगर यदि यहां पर सर आपने ट्रू एरर तो बता दी, बाकी की सर एरर भी बता दो, तो यहां पर मैं कहता हूं सर ठीक है चलो मीन एरर क्या होती है आपकी, तो मीन एरर आपकी कहलाएगी यहां पर कि एवरेज एरर है ना। अगर यदि मैं कह दूं कि मैंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए हैं यहां पर, मान लो मैंने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऑब्जर्वेशन किए हैं, अगर मैंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए हैं तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यहां पर देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किए आपने, इन ऑब्जर्वेशन में जो एवरेज एरर आ रही है, इन अलग अलग ऑब्जर्वेशन में जो आपकी एवरेज एरर जो टोटल निकल के आती है, दैट एरर विल बी नोन एज माय मीन एरर। ठीक है, अब सर ये कंडीशनल एरर क्या होती है, फिर कंडीशनल एरर भी बताओ। तो कंडीशनल एरर इस टाइप की एरर्स को कहते हैं जो मेरी क्या मिले, सेम डायरेक्शन में मिले, यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर मेरे को एरर्स यहां पर मिल रही है तो दैट एरर्स विल बी नोन एज माय कंडीशनल एरर्स। ठीक है, यहां पर आपकी बचती है क्या कि यहां पर आपके पास बचती है कि यहां पर रेसिडुअल एरर। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर रेजिडुअल एरर क्या होती है, तो रेजिडुअल एरर कहलाती है मेरी, सॉरी यहां पर देख लेना, तो यहां पर आपकी कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से। देखो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से यहां पर मेरा ऑब्जर्व वैल्यू का यहां से जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस को मैं रेजिडुअल एरर बोलता हूं। ठीक है, तो सर यहां पर आपने ट्रू एरर के बारे में क्या बोला, सर ट्रू एरर क्या होती है बताएं। तो देखो ट्रू एरर मेरी क्या कहलाती है, ट्रू एरर मेरी कहलाती है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच। देखो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड माइनस यहां पर मैं कह दूं मेजर्ड वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मेरा कहलाएगी यहां पर ट्रू एरर। तो देखो ट्रू एरर मेरी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बोल सकता हूं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस है वो मेरा रेसिडुअल एरर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पिक अप द करेक्ट फीचर ऑफ एक्सीडेंटल एरर इन सर्विंग। अब देखो अगर आपने एक्सीडेंटल एरर को अगर लिया है सर्विंग के अंदर, तो उसका क्या है कि उसका करेक्ट फीचर क्या होता है। तो देखो यहां पर अगर एक्सीडेंटल बताएं इसका जवाब दें, ऑप्शन दें, ऑप्शन दें। तो देखो यहां पर देखेंगे आप लोगों की पिक अप द करेक्ट फीचर फॉर द एक्सीडेंटल एरर। अब देखो एक्सीडेंटल एरर के लिए यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है बताएं। तो देखो यहां पर अगर मैं एक्सीडेंटल एरर बोलूं, तो एक्सीडेंटल एरर उन एरर्स को मैं बोलता हूं जो कि यहां पर मैं कह दूं कि चलो ठीक है सर जो कि एक्सीडेंटली हुई है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यहां है एक्सीडेंटल एरर बोल दो आप, चाहे बोल दो कंपनसेटिंग एरर बोल दो, तो बात एक ही है। तो इसका अगर मैं लो देखूं, तो अगर यहां पर देखेंगे एक्सीडेंटल एरर्स के लो क्या क्या है, तो सबसे पहला लो क्या है कि मेरी यहां पर मेरे को पता है कि सर एक्सीडेंटली होती है, तो मेरी छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, यानी कि जो स्मॉल मिस्टेक्स हैं वो, यानी कि स्मॉल एरर्स हैं, वो एरर्स होने की प्रोबेबिलिटी मेरी ज्यादा होती है, यानी कि मेरी स्मॉल एरर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर यदि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल एरर आपसे बोल दे, तो एक्सीडेंट में छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है, लेकिन मेजर एक्सीडेंट के बारे में बात करूं या फिर मेजर प्रॉब्लम्स की या लार्ज एरर्स की बात करूं, तो लार्ज होने की मेरी प्रोबेबिलिटी कम होती है, या फिर कह दूं कि इतनी ज्यादा मेरी नहीं होती, या फिर इनको बोल सकता हूं मैं इनफ्रीक्वेंट होती है, मेरी इनफ्रीक्वेंट होती है, या फिर मैं कह दूं कि सर इतनी ज्यादा मोस्ट कॉमनली नहीं होती है मेरी मेजर एरर्स। ठीक है, यहां पर यह दो एरर्स के बारे में तो बिल्कुल कंफर्म पता है, और यहां पर मैं कह दूं कि अगर यदि मेरी पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है, तो मेरी सेम इंटेंसिटी से यहां पर मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स मेरी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पिक अप द करेक्ट फीचर ऑफ एक्सीडेंटल एरर इन सर्विंग। तो इसका ऑप्शन देंगे, जवाब देंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर कह रहा है कि सर इक्वल फ्रीक्वेंसी से आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हो रही है, यानी कि पॉजिटिव हो रही है तो भी इक्वल फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरी नेगेटिव हो रही है तो भी मेरी इक्वल फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। ठीक है, एक्सीडेंट होने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, पॉजिटिव भी उतनी ही है और नेगेटिव भी मेरी उतनी ही है। सेम तरीके से मेरी स्मॉल एरर्स है, वो स्मॉल एरर्स मेरी फ्रीक्वेंटली हो जाती है, लार्ज एरर्स मेरी अगर नहीं होती है, या फिर मैं कह दूं कि बहुत कम अकर होती है। ठीक है, तो यहां पर ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर नेक्स्ट है एरर का ही सवाल है, एरर से सवाल है, एरर से ये वाला सवाल आपसे पूछा गया था यूपीपीसीएल एई 2018 के अंदर। देखो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर, अगर मैं कह दूं कि सर यूपीपीसीएल आई है 2018 का सवाल है, तो अच्छा सवाल है कुल मिला के। तो यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर देने की, आप देखो बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, देखो कोई ना कोई तो देखो कहीं ना कहीं से तो हमें करने थे एरर्स के सवाल। इतने सारे मैं स्केल्स से और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, एरर्स के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, हम सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं सर इसका मेरे पास आंसर क्या निकल के आने वाला है। तो देखिए मेरे को जवाब देंगे आप लोग,
तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि देखो, a distance of 270 meter is to be tapped with an error of not more than 0.15 meter, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे से बोल रहा है कि अगर मैं 270 meter की टैपिंग करता हूँ, यानी कि 270 मीटर लेके यहाँ पर मैं चेन, अगर मैं टैप से अगर मेजरमेंट करूं, तो मैं कह सकता हूँ कि सर ठीक है, इतनी एरर मेरी आ सकती है, ठीक है? अब ये कह रहा है कि चला अगर सर 270 मीटर की अगर मैं टोटल करता हूं, तो टोटल मेरी वो एरर दे रखी है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर यदि मैं कह दूं कि सर हर 30-30 मीटर की टैप लेके देखता हूं, मैं कि सर 30-30 मीटर की टैप लेके देखा है मैंने, कि यहां पर एक तो होता है कि यहां पर मैं टोटल ही 270 मीटर की टैप लेके देखता हूं, तो मेरे को पता है कि सर ये जो एरर है इस पूरे मेजरमेंट के अंदर मेरी प्लस माइनस 0.15 मीटर की हो सकती है, ठीक है? लेकिन अगर यदि यहां पर मैं इसको ऐसा मेजरमेंट नहीं करके इसी डिस्टेंस को अगर यदि मैं टैप में छोटी छोटी टैप में मेजरमेंट करता, तो हर एक टैप के अंदर यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू रहती है, कितनी एरर्स आती है, उससे पूछ रहा है। परमिसिबल एरर के बारे में, परमिसिबल लिमिट यह सब पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का मेरे पास सिंपल सी यहां पर बात क्या निकल के आती है, तो देखेंगे आप लोग। बाकी देखो तैयारी हुई है, अच्छे से चल रही है, तो देखो इसी तरीके से चलाते रहना, देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो देखो इस टाइप की जो क्वेश्चन है यहां पर आपके पास, यहां पर आपको एरर बराबर आपका हो जाता है यहां पर अंडर रूट प्लस माइनस E1 square plus E2 square plus, ऐसे करते करते आपने कह दिया कि चलो ठीक है सर E3 square plus E4 square। अब देखो यहाँ पर मेरी टैप कितनी थी, यहाँ पर टैप की लेंथ थी 270 मीटर, ठीक है? यहाँ पर टोटल टैप लेंथ थी 270 मीटर, ठीक है? मेरे को मेजरमेंट कैसे करना है, 30-30 मीटर के यहाँ पर मेरे को टैप लेंथ लेना है। तो यहाँ पर कह दूं कि सर ऐसी कम से कम मेरे को 9 टैप चाहिए, 30 मीटर की कम से कम 9 टैप चाहिएगी, तब जाके मेरे 270 मीटर कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर टोटल एरर तो यहाँ पर मेरी दिखा रहा है कि सर 0.15 की आपकी टोटल एरर, बराबर कर देंगे आप तो प्लस माइनस यहाँ पर देखूं E1 E2 E3 E4 की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है कितनी, 30 मीटर के लिए हो रही है, तो सबके लिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ E की वैल्यू सबके लिए सेम है, ठीक है? यानी कि 9 टाइम चल रही है ना, 9 टाइम चल रही है, तो यानी कि मैं कह दूंगा कि सर 9 टाइम चल रही है मेरी E एरर होने की पॉसिबिलिटी। देखो पहले में एरर होने की पॉसिबिलिटी, सेकंड में एरर, थर्ड में एरर, तो 9 बार मेरे पास यहाँ पर 30 मीटर में मैं कह दूंगा कि सर पर 30 मीटर में मेरी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एरर आएगी। मैं मान लेता हूँ पहले में एरर थी E1, दूसरे में E2, तीसरे में E3, चौथे में E4, ऐसे 30 मीटर के लिए यहाँ पर मेरे पास 9 एरर्स हैं। तो यहाँ पर मैं कह दूं कि यहाँ पर देखो ऐसे पुट नहीं करते, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ पर देखें पहली बार मैंने टैपिंग की 30 मीटर की, मैं कह दिया कि सर ई स्क्वायर की यहाँ पर मेरे पास एरर है। सेकंड में भी 30 मीटर की कर रहा हूं, तो अगेन ई स्क्वायर की आ जाएगी, ऐसे करते करते मेरी 9 टाइम्स की आएगी। तो यहाँ पर 0.15 बराबर मेरा प्लस माइनस में अंडर रूट 9 ई स्क्वायर की यहाँ पर मेरे पास टोटल एरर आई। तो अब देखो पर्टिकुलर के लिए एरर देखें, तो पर्टिकुलर के लिए एरर है मेरी ई, तो ई की वैल्यू यहां से निकालना आप, तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस 0.05 मीटर की यहां पर निकल जाएगी, ठीक है? तो यानी कि पर्टिकुलर की अगर यानी परमिसिबल लिमिट की बात करें, तो 0.05 मीटर की आपके पास यहां पर निकल के आएगी। ये आपका यूपीपीएससीएल ई का सवाल था 2018 का, ठीक है? अब देखो बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, ये क्या पूछ रहे हैं आप, देखो स्केल के बारे में बात कर रहा है, ये स्केल का क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, देखो अच्छे क्वेश्चन से है यहां पर, देखो यूपीपीएससीएल ई 2019 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो मेरे पास ऑप्शन में इतने ज्यादा सवाल आए नहीं, इतने ज्यादा जवाब आप लोगों ने दिए नहीं है, मैं चाहता हूं आप लोग दें, ठीक है? एटलीस्ट कुछ सीख के जाएंगे, हो सकता है मे भी गलत आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि ए सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लान ड्रोन टू ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरनाक सा सवाल नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी है यार। एक सर्वेयर ने मेजरमेंट की डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, इसने कह रहा है कि सर दो पॉइंट के बीच में इसने डिस्टेंस मेजरमेंट की, तो ये क्या किया, इसने 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर का स्केल लेके गया, यानी कि मैं कह दूं 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, मतलब यानी कि 40 मीटर को सेंटीमीटर में मैं करूंगा तो यहां पर 00 लगा दूं 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये कह रहा है कि सर 1/4000 के स्केल से यहां पर मैं लेके गया, और यहां पर मेरे को 1/4000 का यहां पर मेरे पास RF था। इससे मैंने क्या देखा कि ये जो मेरा रिजल्ट आया ना, ये मेरा रिजल्ट आया 235 मीटर, ठीक है? अब यहां पर देखें, लेकिन बाद में मेरे को यह पता लगा कि वो जो स्केल लेके गया था वो स्केल था गलत, वो स्केल ले गया गलत। गलत स्केल कैसे ले गया, तो यहां पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर का स्केल ले गया, यानी कि 1/2000 का स्केल ले गया। देखो क्या कह रहा है ये,
कि यार ये क्या था कि इसको ना एक जगह जाना था और ये स्केल लेके जा रहा था 1 सेंटीमीटर और 40 मीटर का, यानी 1/4000 का इसको स्केल लेके जाना था और इसको मेजरमेंट करके आने थे, बट ये उठा के गलती से 1/2000 का ले आया। तो यानी कि अब ये जो मेजरमेंट करके आया होगा, यानी कि ये जो 235 मीटर का मेजरमेंट करके आया होगा, ये गलत स्केल से करके आया होगा क्या? आपने बोला सर बिल्कुल आया होगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप क्या पूछ रहे हैं ये कि ट्रू डिस्टेंस अब आपकी इसकी क्या हो सकती है, ये आपको निकालना है। तो देखो, जब भी ऐसा कुछ सवाल दे दिया जाए आपसे, आपसे बोले कि सर ऐसा सवाल है, तो आपको क्या लेके चलना है कि ट्रू को आप ट्रू के साथ रख देना, फॉल्स को आप फॉल्स के साथ रख देना, ठीक है? तो ट्रू ट्रू के साथ रखेंगे, तो यहां पर मेरे पास अगर मैं देखूं तो ये कितने का लेके गया था, 1/2000 का लेके गया था, गलत। ये रीडिंग आपकी 235 आई होगी, गलत। तो गलत 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 चीजें यहां पर एक साथ रख दी, 1/2000 इंटू में कर दिया मैंने यहां पर 235। यहां पर मेरे को मेजरमेंट किससे करना था, 1/4000 से करना था। तो यहां पर मेरे पास कुछ एक ट्रू डिस्टेंस निकल गया थी। यहां से आप यहां से ट्रू डिस्टेंस यहां से मेजरमेंट करें, तो देखो राजेंद्र जी का जवाब आ भी गया है, तो यहां से आप मेजरमेंट करके निकालें, तो ट्रू डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी आपकी। तो देखो यहां से देखूं, तो यहां से देखो 2000 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो 235 * 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो यानी कि आपकी ये वैल्यू जो है 470 मीटर यहां पर निकल के आ जाएगी, ठीक है? तो 470 मीटर मेरा करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर राजेंद्र जी का बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है? अच्छा लगा राजेंद्र जी, आप लोग वैसे भी आप कंटिन्यूअसली अच्छे से जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आर। अब देखो बेसिक प्रिंसिपल पूछा है यहां सर्वे के, सर्वे के अगर यदि जब मैंने सर्वे पढ़ाई भी थी आप लोगों ने, आप लोगों ने बहुतों ने पढ़ी भी होगी और लोगों ने यहां पर ध्यान भी दिया होगा, तो यहां पर देखो आप बेसिक प्रिंसिपल यहां पर सर्वेइंग का अगर मेरे से पूछ ले तो दो प्रिंसिपल मेरे चलते हैं। पहला मेरा प्रिंसिपल रहता है कौन सा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, यानी कि मेरे को सबसे बड़े एरिया को सबसे छोटे छोटे एरियाज में लेके जाऊं, यानी कि बड़े एरिया को मैं छोटे छोटे एरियाज में तोड़ूं, उन छोटे छोटे एरियाज का सर्वे कर लूं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, मेरी एरर जो होगी, यानी कि जो बड़े में एरर आने वाली होगी उसको छोटे छोटे पार्ट में कर लिया, तो अब जो मेरी एरर आएगी वो सिर्फ छोटे से पार्ट में आएगी, तो छोटे से पार्ट में आएगी यानी कि एरर का अक्यूमुलेशन होने से मैंने बचाया है, ठीक है? सेकेंड आपसे पूछा है, सेकेंड है आपका कि आपको कोई भी दो पॉइंट दे रखे हो, उन दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप तीसरा पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये दो मेरे पास प्रिंसिपल चलते हैं, यहां पर देखोगे आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि पहला और आखिरी जो है आपको दे रखा है। ये ओपीएससी एही पेपर सेकंड 2019 का आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों का। बिल्कुल राजेंद्र जी का बिल्कुल अगेन करेक्ट आंसर आया है मेरा, ठीक है राजेंद्र जी, बहुत अच्छे आपकी प्रिपरेशन, इसी तरीके से बढ़ाते रहे आप लोग, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट है यहां पर, As surveyor measured the distance between two points on a plan drawn to a scale 1 centimeter बराबर 40 meter। देखो, और मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी यहां पर आप जवाब देने की कोशिश करें। वो जवाब देने की मैं इसलिए बोलता हूं कि एक human tendency होती है कि यार जब तक हम जवाब नहीं देते, जब तक हम थोड़े से मैं भी हो सकता है सही हो जाए, मैं भी गलत हो जाए, सही हो जाए तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर गलत आ गया आंसर, अगर गलत हुआ आंसर, तो भी क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है यार, जो चीज भूल जाते हैं कभी कभी, तो जैसे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आया सबके सामने नहीं आया, तो वहां पर मेरे पास ये हो जाता है कि चलो ठीक है सर, उस पर मैं स्पेशल फोकस करके पढ़ लेता हूं, और वो मेरे पास क्या हो जाता है, हमेशा के लिए याद रह जाता है, ठीक है? तो वहां एग्जाम में गलती नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस तो बूस्ट कर ही लें आप, ठीक है? और आपको पता लग जाएगा कि कितने पानी में। तो एक सर्वे ने यहां पर मेजरमेंट किया है कि उसने बोला कि सर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लान ड्रोन टू अ स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, यानी कि ये कह रहा है कि अब इसने दो चीजों के बीच की डिस्टेंस निकाली, दो चीजों के बीच में ए से बी के बीच की डिस्टेंस यहां पर मेजरमेंट करने गया, और ये 1/4000 का स्केल लेके चला गया, ठीक है? अब कह रहा है कि यहां से इसने मेजरमेंट क्या किया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी मेरी 468 मीटर। अब लेकिन बाद में इसको पता चला कि ये जो स्केल ले गया था, ये स्केल गलत ले गया, ये स्केल कितने का ले गया, आपने बोला कि सर ये 1/2000 का स्केल ले गया अगेन। तो देखो सेम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, इसका बहुत आसानी से आप यहाँ पर जवाब दे देंगे मेरे ख्याल से, बताएं। तो यहां पर देखें, देखो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको सही सही को साथ साथ रखना है, गलत गलत को साथ साथ रखना है। देखो सीधी सी बात है, सही सही को साथ रख दिया और आपने गलत गलत को साथ साथ रख दिया, ठीक है? ये लेके किसने करना था, इसको करना था 1/4000 से, लेके कौन सा गया 1/20 वाला,
तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट की वजह से जो रिजल्ट आया होगा, ये रिजल्ट किसका आया है? इसको लग तो ये रहा था कि ये इसको लेके यहाँ पे इसने मेजरमेंट किया है, लेकिन लेके तो ये इसको गया था। अब इसको लेके गया था तो रिजल्ट जो आया था इसके साथ वाला आया था, यानी कि अब यहाँ पर देखूं तो 1/2000 से ये जो रिजल्ट निकाल के लाया वो रिजल्ट था आपका 468। तो यहाँ पर आपसे पूछना, अगर ये 1/4000 से निकल के आता तो इसका रिजल्ट क्या आता? तो आप कह देंगे सर ठीक है यहाँ से निकाल देता हूँ, ये जो वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू है टी लिख देता हूँ मैं इसको, तो टी की वैल्यू आ जाती है आपकी 468 × 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 468 × 2 कर लेंगे आप, तो 936 समथिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन सीधा निकल जाएगा। ठीक है, सुधांशु जी का डी आया है यहाँ पर, और सुमन जी का डी आया है, राजेंद्र जी का डी आया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा, आप लोग जवाब दे रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला एक्चुअली क्वेश्चन ये मैं कल करा चुका हूँ ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन सबसे टफेस्ट पार्ट से अगर पूछेगा ना स्केल में, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टफ लेवल तक जा सकता है वो जेई और ए लेवल में, वो इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चन से अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है तो आप मान के चले कि स्केल के अंदर यहाँ पर आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, स्केल वाला टॉपिक आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, इसका जवाब दें, इसका अगर अच्छे से अगर आपका करेक्ट आंसर निकल गया तो मैं मान लूंगा कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, बताएं आप, बाकी जितने भी लोग हैं सबसे बोल रहा हूं मैं कि 7 से 7 तक बने रहोगे तो यहाँ पर मैं स्टेट ए से ऊपर की भी पोस्ट है ना उसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका, या साइट में जो भी एग्जाम है स्टेट के ए के जई के सारे सब एक ही चीज में आपका बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, निकालें, देखो यहां पर मेरे पास क्या बोला था कि देखो कल मैंने यहां पर देखो यहां पर प्रीवियस वाले के अंदर यहां पर मैंने बताया था, आप लोगों ने क्लासेस लिए नहीं लिए मेरे को नहीं पता है, 3 PM पे आपकी क्लासेस जो है यहां पर रेगुलर रहने वाली है। ये अभी आज थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई क्लास, बट आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली आपकी उसी टाइम पर आने वाली 3 PM। ठीक है, देखते हैं यहां पर मेरे पास, यहां पर मेरे को पता है कि श्रंक स्केल अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो श्रंक स्केल निकालने का मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल। ठीक है, प्लान ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे दैट अ लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि सर एक जो प्लान है वो प्लान इस तरीके से मेरा प्लॉट किया है कि 10 मीटर है ना उसको ये क्या शो करता है, ये 1 सेंटीमीटर से शो करता है, यानी कि 1/1000 का स्केल दे रखा है क्या इसने। आप बोलेंगे सर ओरिजिनल स्केल क्या दे रखा है, यहां पर देखो ये कह रहा है कि 10 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर से रिड्यूस किया, यानी कि आपकी ग्राउंड पे मैप पे जो डिस्टेंस है, यहां पर देखो स्केल क्या होता है कि सर ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है ग्राउंड की डिस्टेंस को मैप पर प्लॉट करना। ये कह रहा है कि सर ठीक है एक प्लान ऑफ सर्वे ऐसा प्लॉट किया है कि स्केल से कैसे किया है कि 10 मीटर आपको दिखाता है 1 सेंटीमीटर, तो 10 यहां पर मेरा 1/1000 के स्केल हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो ओरिजिनल स्केल हो गया मेरा 1/1000 का। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इन सच अ वे दैट अ लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर आपसे बोल रहा है कि चलो ठीक है सर अब ऐसा इतना रिड्यूस हो गया है, ये रिड्यूस होकर इतना हो गया है कि अब आपकी जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है ना वो एक्चुअली में 9 सेंटीमीटर दिखा रही है, यानी कि इसने एक प्लान ड्रॉ किया 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब वो रिड्यूस हो गया, अब रिड्यूस कितना हुआ देखो, इसने एक तो पहले प्लान ड्रॉ किया होगा, वो जो मैप की शीट है ना वो कागज था, वो कागज सिकुड़ गया, इसने पहले मैप पर ड्रॉ किया 1/1000 की आरएफ लेके इसने क्या किया वहां पर आपका मैप है यहां पर इसने शीट पर ड्रॉ कर दिया। अब वो आपका छोटा हो गया, वो छोटा होकर कितना हो गया, उसने कहा कि ऐसा कि 10 सेंटीमीटर की लाइन अब आपके 9 सेंटीमीटर दिखा रही है। तो देखो श्रिंक फैक्टर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर की लाइन अब मेरे को क्या दिखा रही है, 9 सेंटीमीटर की दिखा रही है, तो ऐसे में श्रंक स्केल यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा कि सर कितने से मेरा श्रंक हुआ है। ठीक हो, तो श्रंक स्केल यहां से मैं निकालू, तो यहां से मेरा श्रंक स्केल कितना निकल के आ रहा है बताएं, जवाब दें 6561 इनका आंसर भी आ गया। ओके बिल्कुल, बहुत यार ये आपका आंसर यहां पर शायद गलत आया है, राजेंद्र जी आपका आंसर गलत आया है, निकालेंगे। तो ये देखो ये आपका श्रंक स्केल यहां से निकालेंगे, तो श्रंक स्केल यहां पर आपका निकल के आया 1/1111.11। ठीक है, देखें आप बाकी लोग भी करके कोशिश करें, देखो वहां पर एरिया दे रखा है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो श्रंक स्केल यहां से निकाला,
अब आपसे क्या बोल रहा है कि अब जो रिड्यूस प्लान है वो मेजरमेंट करना है आपने को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है? तो एक्चुअल एरिया क्या होगा? अब वो प्लान है, प्लान को अगर जिसने बोला कि सर अगर यदि वहां से प्लान के ऊपर मैंने सबसे पहले तो बात है कि डिस्टेंस तो मैंने कह दिया सर छोटी हो गई, एरिया भी छोटा हुआ होगा, वो एरिया जो छोटा हुआ है वो छोटा एरिया इसने बोला हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो अब सर एक्चुअल एरिया क्या होगा? अब देखो एक्चुअल एरिया आपको निकालना है, तो यहां पर आपका ओरिजिनल या एक्चुअल एरिया है, तो यहां से सेम तरीके से मेरा फॉर्मूला चलता है। अगर यदि यहां पर अगर मैंने श्रंक स्केल को लिखा है तो यहां पर श्रंक एरिया देखें आप एक बार, तो श्रंक एरिया बराबर आपका होता है कि वही ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय यहां पर देखेंगे श्रंक स्केल। लेकिन ये जो श्रंक स्केल है, श्रंक स्केल को यहां पर स्क्वायर हो जाता है क्योंकि यहां पर आपका स्केल है, यहां पर एरिया में जा रहे हैं तो एरिया में लेंगे तो स्क्वायर ले लेंगे, वॉल्यूम लेते तो क्यूब ले लेते। तो श्रंक एरिया कितना हुआ ये कह रहा है कि सर ठीक है जो भी हुआ है अब आपको ओरिजिनल एरिया निकालना है। तो यहां पर श्रंक एरिया है 81 का, ठीक है, बराबर श्रंक स्क्वायर है, यहां पर श्रंक स्केल का यहां पर मैंने स्क्वायर कर दिया है यहां पर, तो श्रंक स्केल है यहां पर मेरे पास और इसको मेरे को निकालना है। तो देखो श्रंक स्केल का स्क्वायर करके निकालूंगा, तो देखो यहां पर मैं श्रंक स्केल को यहां पर नीचे ले जाता हूं, तो यहां पर 1/4 × 1.11 इसका स्क्वायर कर लेंगे, बराबर आपका ओरिजिनल एरिया यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो देखो कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला आपने बार बार पुट करना है कि यहां पर आपको स्केल है तो एरिया लिख दिया, फैक्टर है तो यहां पर स्केल लिख दिया और यहां पर एरिया, स्केल है तो एरिया लिख दिया, बस थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा है, फॉर्मूला आपका सेम है, फॉर्मूला आपका सेम है। इस तरीके से यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आपका और मेरे को बताएंगे सर जवाब यहां पर आपका कितना आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर आपका 10,000 आपका मीटर स्क्वायर आपका निकल के आएगा, ठीक है? क्लियर है राजेंद्र जी, आ गया आपको समझ में कि 10,000 क्यों बोला इसका? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। देखो यार वो आपका मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन था जो कि बन सकता था, आपने वहां पे स्क्वायर करना भूल गए थे राजेंद्र जी, शायद इसीलिए आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अदरवाइज बहुत सब सही है, ठीक है? बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। The area of 1/60,000 and distance to be shown on drawing is 7.5 km. What is the length of line of drawing? देखो ये क्या कह रहा है कि RF से यहाँ पर आपने 1/60,000 की distance से यहाँ पर ये देखो बहुत easy question है यहाँ पे और बहुत easy सा question है, हालांकि exam में भी 2014 में आया but ठीक है still question बहुत easy है, तो easy question हम निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपने जब से classes start की थी तो बिल्कुल zero से चले थे अपन और अच्छे level तक मैं scale के questions कराते जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी, सबके questions आसानी से लग गए थे और सबको आसानी से concept भी बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो सर RF है आपको दे रखा है 1/60,000 का, आपसे पूछा हुआ है कि सर डिस्टेंस टू बी शोन ऑन ड्रॉइंग इज 7.5 किलोमीटर, अगर ड्रॉइंग के ऊपर 7.5 किलोमीटर की ड्रॉइंग शो कर रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ऑन ड्रॉइंग, ठीक है? तो यहां पर कह रहा है कि सर 7.5 किलोमीटर की लाइन को अगर आपको ड्रॉइंग के ऊपर आपको दिखाना है, ठीक है, तो यहां पर आपकी लेंथ ऑफ लाइन ऑफ ड्रॉइंग के ऊपर वो लाइन क्या होगी? तो यार मेरे ख्याल से ये ज्यादा कोई खतरनाक सा क्वेश्चन नहीं है, ये इसका जवाब मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा, सब बता देंगे, ठीक है? तो देखो RF बराबर क्या होता है, मैंने पहले बोला कि ग्राउंड की डिस्टेंस को मैप पे लिखते हैं, वही मेरे पास स्केल चलता है, ग्राउंड की डिस्टेंस को यहां पर मैप की डिस्टेंस के साथ यहां पर देख लेते हैं, ठीक है? आपसे ये पूछ रहे हैं मैप की डिस्टेंस, तो मैप की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? तो देखो यहां पर RF की वैल्यू कितनी चल रही है 1/60,000 एन टू में आप कर लेना किसके ग्राउंड की डिस्टेंस को, ग्राउंड की डिस्टेंस आपको दे रखी है 7.5 किलोमीटर, ठीक है? तो 7.5 अगर आपको किलोमीटर में निकालना है तो अदरवाइज आपको अगर यदि किसी और के अंदर निकालना तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आप यहां से निकाल के देखें तो आपका 12.5 सेंटीमीटर समथिंग निकल के आएगा, ठीक है? क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका ये 12.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है? RRB SSC के अंदर सवाल था ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक बॉक्स है, अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का देखें आप, इस क्वेश्चन का जवाब आपको निकलना चाहिए। देखो अब इसने बोला है कि सर देखो यहां पर आपका बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा है, जब एरिया दे रखा था तो स्केल का स्क्वायर हुआ था, अब वॉल्यूम दे रखा है तो स्केल का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखो इसी तरीके से अगर यदि कभी एरिया पूछे, डिस्टेंस पूछेगा तो स्केल का स्केल चलती है, अगर यदि यहां पर मेरे पास एरिया पूछे तो स्केल का स्क्वायर हो जाता है, अगर मेरे से कभी वॉल्यूम पूछे तो स्केल का क्यूब हो जाता है, ठीक है? तो यहां पर निकालेंगे, तो यहां पर मेरे पास जवाब निकाला है इन्होंने 1/ देखो तो आप देखो वॉल्यूम का क्यूब कैसे करेंगे, देखो तो RF मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर RF जो है RF का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा,
कि यहाँ पर देखो स्केल बराबर क्या होता है, देखो स्केल बराबर क्या होता है, स्केल बराबर होता है आपकी ग्राउंड के ऊपर अपॉन मैप के ऊपर, ये चलती है। लेकिन इसने बोला कि सर ठीक है सर ग्राउंड के ऊपर और मैप के ऊपर चलती है, ऐसा तो मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सर एक बॉक्स है जो एक्चुअल में इतने का है, यानी कि एक्चुअल कंडीशन में तो मेरा 7.1728 का है, जबकि यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो दूसरा बॉक्स बनाया है वो है मेरा 216 सेंटीमीटर क्यूब का। अब देखो ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, मीटर क्यूब के अंदर है, यहाँ पर आपका आरएफ का क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज आपकी क्यूब में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इस तरीके से, आप यहाँ से निकाल लें तो यहाँ पर आरएफ जो है, यहाँ पर आप अगर आपसे आरएफ पूछ ले तो आरएफ आपका क्या निकलेगा, इसका आप बाई 3 कर देना, ठीक है, क्यूब रूट कर देना 216 बाई 1728 का यहाँ पर, तो आपके पास निकल के आ जाएगा कि जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर निकले उसको बता देना लगभग लगभग, मेरे ख्याल से यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और यहाँ से आप बता देना क्या आपका आंसर निकल गया है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, इसको आप सेम वैल्यूज के अंदर पुट करके देख लेना, ठीक है, ये आपके पास जो भी आंसर होगा वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो, यहाँ पर राजेंद्र जी का तो ए आया है, बाकी देख लेना यार जितने लोगों का जो जो आया है उस हिसाब से आप बता देना, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा कि कौन सा आपका निकलेगा, क्यूब रूट करके देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वेइंग सिस्टमैटिक एरर अकर्स ड्यू टू। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि सर सिस्टमैटिक एरर्स किसकी वजह से होती है, तो इसका बताएंगे मेरे को, सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में बताएं आप लोग के, सर सिस्टमैटिक एरर्स किसकी वजह से होती है। तो देखो सिस्टमैटिक एरर्स मेरी एक बिल्कुल कह देता हूँ कि कॉम्बिनेशन में चलती है, सिस्टमैटिक ढंग से चलती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो अक्यूमुलेट होती हुई चली जाती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, अक्यूमुलेट होते हुए चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर के बारे में देखेंगे, सिस्टमैटिक एरर के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा गया है तो देखो ये ऑलरेडी पता है कि अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट कोई खराब है, तो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब है, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर 30 मीटर की जगह मेरे को 29 मीटर रीडिंग दे रहा है, तो आगे जाऊंगा तो आगे भी 30 की जगह 29 देगा, आगे भी उससे आगे जाऊंगा तो और 30 में मेरी 29 देगा। तो यानी कि मेरा इंस्ट्रूमेंट अगर खराब है तो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर मेरे पास देखो एरर्स क्या चलती जा रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन चल रही है, माइनस एक यहाँ हुआ है तो माइनस एक यहाँ हुआ है तो भी माइनस एक यहाँ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की एरर्स हैं, इन एरर्स को मैं क्या बोलता हूँ, इन एरर्स को मैं फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो एरर्स होती है उन एरर्स को मैं बोलता हूँ सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, मैच करना है आपको, पहली से पहली लिस्ट से सेकंड लिस्ट को आपको मैच करके बताना है। जवाब देंगे ए ऑप्शन, राजेंद्र जी शायद पिछले वाले का दिया था राजेंद्र जी ने, राजेंद्र जी इसका भी जवाब दे, बाकी लोग भी देखो क्या कर रहे हो यार, अरे तैयारी करनी है स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी अरे इजी बनना ही नहीं बनना, तो कम से कम ऐसी उतना कॉन्फिडेंस तो रखो, एटलीस्ट कम से कम वहां जाके क्या बोलोगे, यहां तो बोलो कुछ, कमेंट्स की तो बाहर जानी चाहिए थी, जवाब दे देके नहीं। देखो चलो देखो आपसे बोल रहा है सर दो लिस्ट है, दोनों लिस्टों को आपको मैच करना है, करो सर, तो मैं तो कर दूंगा, आप लोग भी करके बताएं जरा हल्का सा जवाब दें। तो देखो आपसे पूछ रहे, देखो सर्विंग है ना, सर्विंग के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछता है ठीक है। यहाँ पर लेकिन मेरे को पता क्या क्या है, देखो एल्टीमीटर का मतलब है सीधा सीधा, यहाँ से मेरे को एल्टीमीटर से सीधा सीधा पता चलता है मेरे को कि अपने को एल्टीट्यूड निकालने का काम आएगा, ऐसा कुछ लिख रहा है एल्टीट्यूड जैसा समथिंग लग रहा है मेरा, तो यहाँ पर इससे मेरे को सब पता चल रहा है। अब देखो पैसोमीटर है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे पैर के ऊपर बांध रखा है किसी ने, पैर के ऊपर बांध रखा है, यानी कि डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम में आ जाएगा, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम में आएगा। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या है कि अगर यदि यहाँ पर कहे कि फैदोमीटर, अब देखो फैदोमीटर आपका एक्चुअल में तो आपका एक साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो सर फैदोमीटर क्या है, तो फैदोमीटर एक्चुअल में तो आपका साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट ये क्या काम में आता है, ये आपकी डेप्थ निकालने के काम आता है, वाटर बॉडीज के अंदर काम में आता है, ठीक है। फैदोमीटर के बारे में कर लेंगे, बताएं बताएं बताएं, रजित जी का आया जवाब, देखो रजित जी बहुत टाइम बाद आया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपने सही निकाला है। फैदोमीटर जो है मेरा साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये साउंड वेव्स को अपन पानी के अंदर भेजते रहते हैं और उस हिसाब से अपन निकालते रहते हैं, ठीक है। टेलीरोमीटर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो टू है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर अब देखो टेलीरोमीटर के बारे में सवाल पूछता है, ठीक है। तो आपका देखो जो बच जाए वो वही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ बचता नहीं है, यहाँ पर ये टेलीरोमीटर एक्चुअल में आपका माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका ये थोड़ी सी बात है, ये आपको यार याद ही रखनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, इससे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका क्या काम में आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रजित जी का करेक्ट हो गया, राजेंद्र जी का करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर एक ट्रायंगुलेशन करते हैं तो सर बेस्ट शेप क्या होती है ट्रायंगल की, ट्रायंगल की बेस्ट शेप क्या होती है, और यहाँ पर देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है सर बेस्ट शेप क्या होती है। अब देखो एक होती है बेस्ट शेप, सर उसी को क्यों लेते हैं, इसी को क्यों मानते हैं, तो देखो आइसोसेलिस ट्रायंगल यहाँ पर मैं मानता हूँ कि सर आइसोसेलिस ट्रायंगल लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास बेस्ट एंगल कुछ लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
सबसे पहली बात तो वेल कंडीशन ट्राइंगल के अंदर मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि वेल कंडीशन ट्राइंगल के अंदर का सवाल है, ये वेल कंडीशन ट्राइंगल मेरा क्या होता है कि जो 30 से लेके 120 डिग्री के बीच का हो, ठीक है, 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच का हो। तो यहाँ पर ये जो ऐसा एंगल है जो इन दोनों के बीच में लाया करता है, दैट विल बी नोन एज माय वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो मैं कह देता हूँ कि सर मैंने जो तीनों एंगल्स हैं उनमें से मेरे पास एंगल जो है वेल कंडीशन ट्राइंगल के वो आपके 30 से लेके 120 के बीच में चलता है। यहां पर लेकिन आपका आइसोसेलिस एंगल विद बेस एंगल, यानी कि बेस एंगल किसके साथ, देखो बेस एंगल्स है ना, ये जो बेस एंगल्स हैं, ये बेस एंगल्स अगर यहां पर अपने 56 डिग्री 14 मिनट की अगर हो जाए तो इसको मैं बेस्ट या फिर सबसे कह दूंगा सबसे बेस्ट टाइप का आपका ट्राइंगल कह दूंगा, इस ट्राइंगल का सबसे बेस्ट शेप है वेल कंडीशन ट्राइंगल की। तो यहां पर 56 डिग्री 14 मिनट का आपका ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, ये यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग के अंदर सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अब आगे यहां पर मेरे पास सवाल पूछता है कि सर ये 56 डिग्री 14 मिनट ही क्यों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है वेल कंडीशन ट्राइंगल आर प्रिफर्ड बिकॉज, नेक्स्ट आपको इसका जवाब दे देगा कि क्यों, व्हाई दिस। तो यहां पर आपके पास सीधी सी बात है क्यों वेल कंडीशन ट्राइंगल ही क्यों विद 56 डिग्री ही क्यों। तो यहां पर देखो 56 डिग्री इसलिए करते हैं, वैसे मैं बताता हूं 56 डिग्री 14 मिनट इसलिए रखते हैं क्योंकि आपका क्या हो जाता है कि इस कंडीशन में 56 डिग्री 14 मिनट की केस में यहां पर आपका ये हो जाता है शार्प, ये आपका हो जाता है अपसाइड या अपेक्स पॉइंट जो आपका हो जाता है वो अपेक्स हो जाता है शार्प। अब ये अपेक्स शार्प हो गया तो यानी कि यहां पर मेरे पास क्या है कि यहां पर लोकेट करने के लिए एक पॉइंट काफी होगा। अब देखो यहां पर अगर मैंने जो अगर अपेक्स अगर शार्प नहीं है तो यहां पर देखो इसको लोकेट करने के लिए इतना बड़ा पॉइंट लगाना पड़ेगा, जबकि यहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं दे पाएगा। तो सेम तरीके से मैं क्या करता हूं कि चलो ठीक है सर इसका अपेक्स अगर मैं शार्प बना दूं ऐसा कुछ तो अपेक्ष शार्प होगा तो यहां पर ये एक पॉइंट यहां पर आपको लोकेट करने के लिए बहुत आसानी रहेगी, ठीक है, तो इसीलिए रखते हैं यहां पर। तो यहां पर आ जाती है कि द अपेक्स आर शार्प एंड कैन बी लोकेटेड इजीली, इसी वजह से वेल कंडीशन ट्राइंगल्स बनाते हैं, 56 डिग्री 14 मिनट होने का भी यही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन चेन सर्विंग वर्क द लाइन जॉइनिंग द स्टेशंस फॉर टैगिंग ऑफसेट फ्रॉम इट इज नोन एज, आप देखो यहां पर हमारी काफी सारी लाइंस चलती हैं, ऐसी सर्वे लाइन जो मेरी पूरी सर्वे को टू मैन मेजर पार्ट्स के अंदर यहां पर डिवाइड करती है, जरूरी नहीं है वो इक्वल रहे, कैसे भी हो सकते हैं लेकिन टू मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर मैं मान के चलूं कि सर ठीक है अगर आपके यहां पर चार स्टेशन है या पांच स्टेशन है कोई भी ले लो आप, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि सर ये पांच सर्वे स्टेशन को मैंने एक दूसरे से एड कर रखा है तो यहां पर ये जो मेजर लाइन है यहां पर मैंने जो खींची है यानी कि आप देखो एक वर्ग इधर का हो गया एक वर्ग इधर का हो गया, तो ये जो लाइन है जो कि मेजर है मेजर लाइन है ये जो मैन स्टेशन को जोड़ने वाली, तो दैट लाइन विल बी नॉन एज माई बेस्ट लाइन, ठीक है। तो ये दोनों पूरे सर्वे को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगी। अब यहां पर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि यहां पर देखो ये जो स्टेशन को जोड़ने वाली जो लाइन है मेन लाइन है इनको मेन सर्वे लाइन बोलता हूं मैं, या मेन लाइन या फिर मेन सर्वे लाइन इनको बोलता हूं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कभी कभी डिटेलिंग लेनी पड़ती है मेरे को, ऑफसेट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, यानी कि कोई ट्री वगैरह है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर इस बेस लाइन से देखा मैंने यहाँ पर ट्री वगैरह है तो बेस लाइन से ट्री वगैरह को लोकेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची। अब ये जो लाइन है ये लाइन विल बी नॉन एज माई टाई लाइन। अब देखो टाई लाइन का एक और यूज है, टाई लाइन मेरे सब्सिडरी स्टेशन को भी मैच कर सकती है, अगर यदि यहाँ पर मान लो कि ये जो स्टेशन है और यहाँ पर एक सब्सिडरी स्टेशन है, इन दोनों को यहाँ पर मेरे को मिलाने की भी यहाँ पर मेरी टाई लाइन ही काम में आती है, ठीक है। तो यहां पर ये वाली लाइन होगी। इसके अलावा ये देखो चेन लाइन अपन इसी मेन सर्वे लाइन को भी बोलते हैं। यहां पर आपके पास एक आपके पास आ जाती है कौन सी लाइन, चेक लाइन। अब देखो सर चेक लाइन क्या काम आती है, देखो चेक लाइन मेरे ख्याल से बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि मेरा सर्वे सही हुआ है नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए यहां पर मैं कोई भी एक रैंडम लाइन खींच के देख लूंगा। ये रैंडम लाइन खींच के देखी, अब ये यहां पर मैं देखा कि सर यहां पर ये जो लाइन मेरे पास इक्वल रिजल्ट दे रही है वो ग्राउंड पे भी क्या इक्वल रिजल्ट दे रही है, तो हां ठीक है अगर सेम दे रही है तो यहां पर मैंने एक्यूरेसी को मेजरमेंट किया है, तो दैट लाइन विल बी नोन एज माय चेक लाइन। तो एवरीथिंग इज फाइन एंड क्लियर, तो बिल्कुल यहां पर मेरे पास जो टैगिंग ऑफसेट्स हैं उसके लिए टाई लाइंस मेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगी, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं इसका, ए ऑप्शन आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इनवॉ टेप के बारे में, तो देखो सबसे पहली बात तो इनवॉ टेप के बारे में कि इनवॉ टेप का थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट आपका सबसे कम होता है। अब मैंने ये क्यों बोला कि सर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट आपका कम होता है, तो देखो उसका रीजन था कि अगर यदि मान लो मैं कोई दूसरी यहां पर आपके कोई टैप उठा के ले गया, वो टेप कल को क्या हुई कि थर्मल एक्सपेंशन हो जाने की वजह से गर्मी ज्यादा पड़ी है मेरी, तो ये क्या होगी ज्यादा एक्सपेंड हो गई, ज्यादा एक्सपेंड हो गई, तो कुल मिला के मैंने कह दिया कि चलो ठीक है सर पहले लेंथ इतनी थी अब गर्मी ज्यादा पड़ी तो इसकी लेंथ इतनी हो गई, तो क्या अब इससे मेजरमेंट्स मेरे सही आएंगे क्या, आप बोलेंगे सर नहीं आएंगे। तो इनवॉ टेप मेरी सुपीरियर टाइप की टेप होती है क्योंकि इसकी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है मेरा बहुत कम होता है, ठीक है।
पहली बात तो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बहुत कम है, मैं कह दूं तो स्टील से भी बहुत कम है, ठीक है, स्टील से भी ज्यादा कम होता है इसका इनवर्ट टाइप का। तो यहां पर देखें तो ये किस किस का अलॉय है, तो यहां पर मेरे ख्याल से जवाब दे दिया है सुमन जी ने, दे दिया है राजेंद्र जी ने, दे दिया है डी निकल और स्टील की। मेरे को परसेंटेज बताएं निकल का कितना परसेंटेज है, स्टील का कितना परसेंटेज, जल्दी से परसेंटेज लिख के भी बताएं मेरे को कि सर निकल कितना आएगा उसमें स्टील कितना आएगा। जवाब दें सुमन जी, राजेंद्र जी आप जवाब दें, निकल कितना है स्टील कितना है, क्योंकि अलग से सवाल नहीं पूछेगा वो, यहां से सवाल मान लो इसने ये सवाल नहीं पूछा तो कौन सा पूछेगा फिर आप क्या कर लेंगे, तो नहीं ना, तो बताएं मेरे को निकल कितना है स्टील कितना है। तो देखो कमेंट आना चाहिए था अब तक, तो 34 राजेंद्र जी थोड़ा सा मिस्टेक करके हल्का सा मामूली सा एंड 66 जी बिल्कुल यहां पर आप हल्का सा यहां पर मिस्टेक कर गए हैं। निकल का वापस से देखें ढंग से, निकल का कितना है, देखें तो देखो यहां पर आपका निकल जो है यहां पर 34 नहीं है 36% है, इसीलिए मैंने पूछा था सवाल, ठीक है, निकल आपका 36 है, स्टील आपका 64% है, ठीक है, तो आप हल्का सा मिस्टेक कर गए हैं 1-2% से, लेकिन वो 1-2% है आपका। क्वेश्चन देख लेना एक बार थोड़ा सा हल्का सा, आपको शायद इस पे लाइमलाइट करने की जरूरत है, यहाँ पर आपका 36 है ना कि 34, ठीक है, 36 और 64 है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लें। इनवर्ट टैप के बारे में बता दिया है, इनवर्ट टैप के सुपीरियर टाइप की टैप है, ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि सर अगर सेक करेक्शन कभी लगाना हो, तो सबसे पहले सेक करेक्शन के बारे में बताता हूँ जिसमें आप जवाब दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि सर ठीक है, ये अगर यदि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास चेन है, ये चेन है, यहाँ पर ये हैंडल है चेन का, ये दूसरा हैंडल है चेन का, ठीक है। एक होता है कि जब मैंने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कसके पकड़ा हुआ इस चेन को, ठीक है, इसको कसके पकड़ा हुआ है अच्छे से, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं कह दूंगा कि सर ठीक है, अगर मैंने कसके बिल्कुल बढ़िया पकड़ा हुआ है तो मेरे पास चेन की लेंथ है जो बिल्कुल सही से यहाँ पर चेन की लेंथ मेरे आने वाली है, यानी कि जो मेरी एल लेंथ है यहाँ पर मेरे एल लेंथ यहाँ पर शो करेगी। एक होती है कि सर गलती से क्या हो गया मेरे से, यहाँ पर हल्की सी ढीली छूट गई, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी देखना आप कि हल्की सी यहाँ पर आपकी क्या कर जाएगी, ये चेन भी थोड़ी सी ऐसी ढीली पड़ गई, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ आई है, ये लेंथ आपकी क्या आ गई, एक्चुअल लेंथ से कम आई है, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर मेजरमेंट किया कम लेंथ का, और लेकिन मैंने बता ज्यादा दी, यानी कि देखो इसके ऊपर मार्किंग कितने की हो रही है, 30 मीटर की मार्किंग हो रही है, मीटर की 30 मीटर की मार्किंग हो रही है इसके ऊपर, चेन इसके ऊपर, चेन के ऊपर 30 मीटर की मार्किंग है, यानी कि ये चेन है मेरी 30 मीटर की, यानी कि यहाँ पर अब मैंने इतनी सी ही लेंथ को 30 लिख दिया है, जबकि मेरी इतनी लेंथ 30 होनी चाहिए थी। तो मतलब मैं कह दूंगा कि सर यहाँ पर मैंने कम लेंथ को ज्यादा लिख दिया है, तो अब यानी कि एरर जो मेरी आई है वो एरर मेरी आ जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव एरर आ गई ना भाई, आपको जहां 29 लिखना था वहां पर आपने 30 लिख दिया है, तो आपकी एरर आ गई पॉजिटिव। तो अब जो यहाँ आपका करेक्शन लगने वाला है सेक की वजह से, वो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव आपका होने वाला है, तो कभी भी अगर आप ढीला छोड़ देंगे इसको तो आपका क्या हो जाएगा, एरर आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो वहां पर उस तरीके से आपका करेक्शन जो है सेक का हमेशा यहाँ पर नेगेटिव लगता है। बिल्कुल स्मृति धर जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, हेलो 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 स्मृति जी, मालवीय सर आपका देखो बिल्कुल शॉर्ट निकले हुआ, तो आप बता दें आप आते तो हर बार ही है, लेकिन इतना बड़ा नाम आपका स्मृति धर मालवीय सिविल 13B मतलब भी आपने लगाया है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, अब देखो ऑप्टिकल स्क्वायर है यहाँ पर, तो देखो ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर देखेंगे हम यहाँ पर, तो बताएं यहाँ पर इसका जवाब दें सबसे पहले तो ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में। तो यहाँ पर एक तो होता है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है, एक होता है आपका प्रिज्म स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर। अब देखो यहां से आपके दो सवाल पूछता है वो ऑप्टिकल स्क्वायर से प्रिज्म स्क्वायर से, क्या पूछेगा कि ये दोनों के दोनों किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो मैं कह दूंगा सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों मेरे डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, तो यहां पर डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम पे करते हैं, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे, डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे, ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे आपका काम में करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं सॉरी यहां पर आपका रिफ्लेक्शन के, मतलब देखो जवाब देखते हैं किस किस लोगों का है डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम पे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं किन किन लोगों ने जवाब दिया है, देख लेता हूं मैं, ओके ठीक है। तो यहां पर अगर इन दोनों के बीच में क्या है कि सर डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे कैसे काम में करते हैं, तो यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर आपके ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर तो दो लगे होते हैं आपके लेंसेस, ठीक है,
या फिर मैं कह दूं कि यहाँ पर आपके दो लेंसेज लगे होते हैं, यहाँ पर आपके लगे होते हैं दो प्रिज्म। देखो यहाँ पर आपके दो प्रिज्म लगे होते हैं, ये जो दो लेंसेज हैं या फिर दो प्रिज्म हैं, या फिर यहाँ पर लेंसेज नहीं बोल के यहाँ पर मैं मिरर भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर आपके टू मिरर्स लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपके लगे होते हैं दो प्रिज्म, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं, ये आप याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ 45 डिग्री पे एंगल पे लगे होते हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये दोनों मेजरमेंट करते हैं 90 डिग्री का एंगल का, यानी कि राइट एंगल मेजरमेंट की डिवाइसेज हैं, राइट एंगल मेजरमेंट करने की डिवाइसेज हैं। मेजरमेंट तो 90 डिग्री का करते हैं, ये भी 90 डिग्री का मेजरमेंट करता है, बट इन दोनों के जो दो मिरर्स हैं और ये जो दो प्रिज्म हैं, ये एक दूसरे के साथ आपका 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं। और इनका जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल इसी वजह से, ये देखो एक से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, दूसरी बार रे आ जाएगी, ऐसे करते 45 पे दो रेज लगी है तो 90 डिग्री पे आपका शो कर देती है। तो इस वजह से डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे आपका कंस्ट्रक्शन इसका होता है, ठीक है, क्लियर है। तो डी ऑप्शन मेरा यहां पर करेक्ट निकलेगा, डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहां पर आप बताए, यहां पर इन अ मैट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर कैन रन कैन बी, तो देखो यहां पर आप देखो इसका देंगे जवाब, देंगे इसका देखो बताएं मैट्रिक चेन के अंदर नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर कितना है बताना जरा। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर निकल गया है 5। तो देखो यहां पर मेरे पास, देखो सीधी सी बात है, यहां पर आपके 5 यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। यहां पर मेरी, अगर मैं कह देता हूं कि सर मैट्रिक चेन एक तो 20 मीटर में आती है, एक 30 मीटर में आती है, जो 20 मीटर में मेरे पास यहां पर मैट्रिक चेन आती है, जो 20 मीटर की होती है, उसके अंदर 100 लिंक आते हैं, और यहां पर मेरे पास जो 30 मीटर की आती है उसमें 150 लिंक आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास एक लिंक की बात देखूं तो एक लिंक मेरा क्या दिखाता है, यहां पर देखूं तो यहां पर एक लिंक के बारे में देखेंगे, तो यहां पर देखो यहां पर 20 मीटर है, 100 लिंक है, यहां से देख लो आप। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सर ठीक है, आपकी अगर यदि यहां पर इसकी वैल्यू 1 मीटर कर देता मैं, ठीक है, यानी कि आपकी 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर हो गया ना, देखो 20 मीटर में अगर 100 का भाग दूंगा तो सेंटीमीटर में निकाल लिया मैंने आंसर, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर पे आपका एक लिंक है, यानी कि एक लिंक आपको बताता है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे अगर एक मीटर है तो एक मीटर में ऐसे कितने लिंक आएंगे, तो 20 सेंटीमीटर किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यहां पर 1 मीटर निकल गया है, तो आप कह देंगे सर 5 से कर दूं आप, 1 मीटर आपका निकल के आ जाएगा। तो आपके 5 लिंक्स आते हैं जो कि आपके मैट्रिक चेन में लगते हैं पर मीटर कैन आपको रन कराने के लिए, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। जिन जिन लोगों का 2.2 मीटर, बिल्कुल यहां पर आपने देखा 0.2 मीटर या 0.02 मीटर यहां पर देखेंगे, या 20 सेंटीमीटर आपने बोल दिया, ठीक है। क्रॉस स्टाफ अब क्यों काम में आता है, तो देखो यहां पर क्रॉस स्टाफ जो है क्या काम में आता है, देखो क्रॉस स्टाफ में आपका एक और आता है, देखो या तो क्रॉस स्टाफ लिख दे, अगर आपसे कभी फ्रेंच बोल दे ना कि सर इसमें भी अगर आपसे आगे फ्रेंच लगा दे, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ लिख दे कभी, एक तो देखो सिर्फ क्रॉस स्टाफ लिखा है उसने, एक लिखा है उसने फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है। अगर वो कभी सिर्फ क्रॉस स्टाफ बोले, ठीक है, तो क्रॉस स्टाफ का मतलब है कि सीधा ये आपको क्या मेजरमेंट करके देगा, आपको 90 डिग्री मेजरमेंट करके देगा, यानी कि अब आपका क्रॉस स्टाफ जो है 90 डिग्री का मेजरमेंट की डिवाइसेज है। जबकि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपका 90 डिग्री के अलावा कौन कौन सा एंगल मेजरमेंट करेगा, 90 के अलावा कौन सा एंगल मेजरमेंट कर सकता है बताएंगे जरा, फ्रेंच कौन सा मेजर कर सकता है 90 के अलावा, 90 के अलावा फ्रेंच कौन कौन सा कर सकता है। श्री श्रद्धु जी नायक जी का भी ए ऑप्शन आया है, सेटिंग आउट राइट एंगल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हॉरिजॉन्टल एंगल्स नहीं मेजरमेंट करता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए यहां पर मेरे को थियोडोलाइट की नीड पड़ती है। देखो ये आपका थियोडोलाइट की नीड पड़ती है, जब थियोडोलाइट पे पहुंचेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हम शुरुआत सिर्फ चेन टैप्स पे चल रहे हैं, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स में आए हैं अभी हम। तो 45 आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। यहां पर अगर मेरे से फ्रेंच के बारे में बोले तो फ्रेंच आपका 45 डिग्री भी मेजरमेंट करेगा, 90 डिग्री में मेजरमेंट करता है, और आपका 135 डिग्री में मेजरमेंट करता है। जबकि अगर सिर्फ क्रॉस स्टाफ दे रखा हो तो आप सिर्फ 90 डिग्री पे लगा के आएंगे, ओके। अगर फ्रेंच लिख दिया उसने आगे तो 45 भी लगा के आना, 90 भी लगा के आना, 135 भी लगा के आना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर, अब बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू, देखो अगर आपकी कहीं पर बिल्डिंग आ गई, एक होता है कि चलो ठीक है सर बीच में अगर यहां पर मैं सर्वे कर रहा हूं, देखो यहां पर मैं सर्वे कर रहा हूं इस एरिया में, और यहां पर बीच में नदी आ गई, तो अगर यदि कभी रिवर आ जाती
तो मेरा क्या कर सकता ना, आप देखो यहाँ पर मैं रिवर कर सकता हूँ, तो यहाँ से लेकिन यहाँ के बीच में मैं डिस्टेंस, अगर मेरे को यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच में मेजरमेंट करनी होती तो मैं क्या करता सर, तो यहाँ पर मैं चेन तो नहीं बिछा सकता, बीच में नदी है, तो अगर रिवर की बोल लेता तो रिवर मेरे को पता है कि रिवर के अंदर चेनिंग नहीं कर सकता मैं, तो रिवर इज एन ऑब्स्टिकल टू चेनिंग, तो यहाँ पर चेनिंग तो आपकी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहां से यहां तक के बीच में रेंजिंग में कर सकता था, दो रूट्स लगा के मैं एक दूसरे को देख सकता था, ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपकी रेंजिंग तो की जा सकती थी, ठीक है, रेंजिंग की जा सकती थी। सेम इसी तरीके से आप ये क्या है कि अगर मान लो बीच में पहाड़ आ जाते, माउंटेन्स आ जाते, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पर माउंटेन में अगर मेरे से पूछे कि सर यहां पर ए पॉइंट है, यहां से बी पॉइंट है, तो मैं यहां से यहां तक चेन बिछा सकता हूं, यहां से यहां तक भी चेन बिछा सकता हूं, तो कुल मिला के मेरी चेनिंग तो यहां पर की जा सकती है, माउंटेन्स में चेनिंग है, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे को पता है कि अगर यहां पर मैंने एक रोड लगाई है और एक रोड मैंने यहां पर लगाई है, तो इन दोनों को मेरे को दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगी, तो यानी कि यहां पर मेरी रेंजिंग यहां पर नहीं हो पाती। देखो जिन लोगों को नहीं पता है वो नेक्स्ट चैप्टर में जैसे रेंजिंग में पहुंचे वैसे मैं बता दूंगा आपको रेंजिंग क्या होती है उसके बारे में। तो सेम अगर आपकी अगर बिल्डिंग आ जाए, तो देखो अगर यहां पर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, इस जगह पर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, बीच में यहां पर मेरी बिल्डिंग आ गई, तो यानी मैं बिल्डिंग के अगर यहां पर मेरे मेजरमेंट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं चेन को क्या बिल्डिंग के ऊपर से घुमा के ऐसे लेके जाऊंगा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं लेके जाओगे, आप किंतु इससे आगे देख भी नहीं सकते। अगर मैंने एक रोड यहाँ लगाई है, बीच में बिल्डिंग है, एक रोड यहाँ लगाई है, तो ये दोनों रोड एक दूसरे को देख पाएंगे क्या? आप बोलेंगे सर ये भी नहीं देख पाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पर ना तो आप चेनिंग कर सकते ना आप यहाँ पर चेनिंग कर सकते ना आप यहाँ पर रेंजिंग कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टिकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। ओके, अब देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर था। सुमन जी का था, श्रीश नाइक जी का था, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर शीर्षेंदु नायक जी का था, स्मृति जी का था, यहाँ पर राजेंद्र शर्मा जी का था। बिल्कुल अच्छा लगा, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग। तो देखो यार ये मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा कि जो करेक्शन है, करेक्शन जो लगता है वो लगता है एच स्क्वायर अपॉन 12 नॉट, इतना मैं यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर लगाता हूँ। तो ये आपको ऑब्वियसली बात है, अगर यदि इतना करेक्शन लग रहा है तो करेक्शन की वैल्यू अगर मेरी ये है, तो यहाँ पर मेरे पास सीधा डायरेक्टली ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा और सब लोगों का जवाब यहाँ पर निकल के भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 12 नॉट। अगर आपसे कभी स्लोप के करेक्शन के बारे में पूछता है, अलाइनमेंट में कलेक्शन के बारे में पूछे, तब भी आपका एच स्क्वायर अपॉन 12 नॉट ही निकल के आता है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है अगेन सेम क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन। इसका जवाब दें वापस से, देखो अब ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में पूछा है, पहले प्रिज्म स्क्वायर के बारे में पूछा था। ठीक है, यहाँ पर देख रहा हूं मैं को तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ट अपॉन। तो देखो यहाँ पर मैंने बोला आपसे ऑप्टिकल स्क्वायर बोल दे चाहे वो प्रिज्म स्क्वायर बोल दे, आपको क्या समझ में आना है कि देखो दोनों के दोनों आपके एक ही प्रिंसिपल पर बेस करते हैं, दैट इज मींस डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर। अब देखो सर ये डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर कैसे काम में करता है, तो यहाँ पर आपके ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर आपके दो मिरर लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टू मिरर लगे होते हैं और यहाँ पर आपके लगे होते हैं वही अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगा टू प्रिज्म, ठीक है। अब ये जो दोनों प्रिज्म है यहाँ पर आप याद रखना कि ये दोनों के दोनों प्रिज्म एक दूसरे के साथ, अगर दो मिरर लगे हैं तो ये दो मिरर एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पे हैं, अगर दो प्रिज्म लगे हैं तो ये एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों का करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि क्या कि ये दोनों मेजरमेंट आपका 90 डिग्री का करेंगे। ये देखो दोनों के दोनों यहाँ पर मेजरमेंट 90 डिग्री का करते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री के अंदर और ये 45 के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, 45 पे दो मिरर्स लगा रखे हैं मैंने, मेजरमेंट 90 डिग्री का करके देगा, ठीक है। मेजरमेंट 90 का करेगा, 45 पे दो प्रिज्म लगा रखे हैं बट मेरा मेजरमेंट जो है 90 डिग्री का करके देगा, ये मेरे को एग्जैक्टली याद रखना है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी स्टेट एज के अंदर। फिर मेरे से बोल रहे थे कोई कि यार सर वहां पर आपने बताया कुछ और था, जवाब कुछ और निकला। तो देखो एक छोटी सी बात होती है वो याद रखना है आपको, ठीक है। छोटा सा की पॉइंट से आपको याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, सर रेंजिंग क्या होती है। तो देखो
रेंजिंग क्या होती है, अगर यदि आपने कह दिया कि चलो ठीक है सर आप यहाँ पर आपने एक चेन डिस्टेंस आप मेजरमेंट करने गए, ए से बीच के बीच की आपको डिस्टेंस यहाँ पर मेजरमेंट करनी है, ये ए की डिस्टेंस है, ये बी की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी है, लेकिन आपके पास चेन है इतनी सी, चेन है इतनी सी, तो अब आप क्या करेंगे कि सर इतनी चेन को मैं दो बार लगाऊं वहां पर, एक बार यहां लगाऊं एक बार आगे लगाऊं, तो हो सकता है मे बी मैं इससे जो चेन है या दूसरी लाइन को मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा यहां पर प्लॉट नहीं कर सकता, हो सकता है कि ये लाइन मैंने ऐसा प्लॉट कर दी, दूसरी लाइन ऐसा प्लॉट कर दी, तो यहां पर मेरे पास चांस हाई चांसेस हैं कि मैं बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस या बिल्कुल एग्जैक्टली थ्रू सेम डिस्टेंस यहां पर मैं मेजरमेंट नहीं कर पाया, मैं ऊपर से ले गया थोड़ा सा साइड से कर लिया थोड़ा सा, तो डिस्टेंस मेरी क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच की गलत आ जाएगी, तो मैं इस पूरे के पूरे पॉइंट्स को एक ही लाइन पर रखने के लिए इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट एक एस्टेब्लिश कर देता हूं, कोई भी सी पॉइंट या फिर यहां पर मैंने पॉइंट बना दिया सी, इस सी पॉइंट को यहां पर एस्टेब्लिश कर दूं, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहता हूं रेंजिंग। अब रेंजिंग में क्या करते हैं, एक रेंजिंग रूट होती है मेरी, एक रेंजिंग रूट यहां होती है, ठीक है, अब इन दोनों रेंजिंग रूट से यहां पर मैं एक यहां पर मैं आई रखता हूं, यहां से लिखता हूं, अगर यदि यहां पर अब एक रेंजिंग रूट में यहां पर पुट अप कर दूंगा, ठीक है, अब मैं यहां से आंख रख के देखता हूं तो मेरे को क्या दिखना चाहिए कि ये तीनों के तीनों जो मेरे पास रूट्स है ना, ये तीनों के तीनों मेरे सेम लेवल पे, यानी कि एक ही दिखे मेरे को, ठीक है, तो तब तो मैं कह दूंगा कि सर तीनों के तीनों मेरी एग्जैक्ट है। तो यहां पर आप देखो समथिंग इतना तो समझना जरूरी नहीं है, यहां पर आप इतना ध्यान रख लें कि रेंजिंग के लिए आपको तीन पॉइंट्स यहां पर आपको चाहिए होते हैं कि एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन। ओके, तो यहां पर देखेंगे यहां पर किस किस लोगों का सही जवाब आया है, तो यहां पर देखो डायनेमो जी का सही आया, कश्मीरता जी सरकार जी ने देखो मैसेज डिटेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइमिंग क्या है सर क्लास की, अरे देखो टाइमिंग के बारे में बता देता हूं मैं सर कि टाइमिंग आपकी 3 PM है, लेकिन आज 3 PM पे क्लास ऑन नहीं हो पाई ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों का जवाब सही आ रहा है, आप लोगों का जवाब गलत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीखेंगे, सीख के आगे तक चलना है, इसी तरीके से चलेंगे, 3 PM पे दिख जाना देखो सारे के सारे, ठीक है, सबके सब 3 PM पे आ जाना सारे के सारे कल, ठीक है, पहले बोल रहा हूं 3 PM एग्जैक्टली यहां पर स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए लाइन ज्वाइनिंग फिक्स्ड पॉइंट, देखो इसका इसको बताएं इसका जवाब दे, मैं देख लेता हूं जितने कितने लोगों का है, देखो यार ये बी ऑप्शन दिया था इन्होंने, दिया था डायनेमो जी ने, दिया था शिशेंदु जी का सी आया था, शिशेंदु जी देखो अब आप समझ आ गए, यहां पर एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट करना नहीं है हमारा काम, उसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टैब्लिशिंग कराना ही मेरा रेंजिंग कहलाता है, ठीक है। अब रेंजिंग के लिए देखो यहां पर आपसे ना एक सवाल और पूछता हूं मैं, यहां पर देखो यहां पर है ना आपसे पूछ लेगा वो कि सर मिनिमम आपको कितनी रूट चाहिए, तो देखो मिनिमम 3 रूट्स चाहिए जब मेरे को डायरेक्ट रेंजिंग करनी है, तो अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है उसके बारे में चलो बाद में डिस्कशन कर लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहां पर आपसे पूछना है लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज, तो यहां पर देखो अगर यदि यहां पर आपसे कह रहा है कि सिर्फ कुछ फिक्स पॉइंट्स है, यानी कि यहां पर आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, यहां पर फिक्स पॉइंट्स का मतलब है यहां पर आपसे डिटेलिंग के बारे में पूछ रहा है कि किसी फिक्स पॉइंट्स है डिटेलिंग के बारे में, या फिर मैं कह दूं कि सर कोई भी ट्री है, या फिर मान लो कुछ भी आ गया देखो, या फिर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ऐसा कि जिसको आपको लोकेट करना है, यानी कि लोकेशन आपको लोकेट करनी है, तो ऐसे लाइन जो कि आपके फिक्स पॉइंट्स को लोकेट करें, यानी कि यहां पर मैंने कह दिया कि सर ठीक है यहां पर मेरे 4 स्टेशन थे, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 स्टेशन थे, यहां पर ये जो मेन लाइन है जिसने दोनों सर्वे पार्ट्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दैट विल बी नोन एज माय बेस्ट लाइन। अब यहां पर ये जो मेन सर्वे लाइंस हैं, इनके अलावा भी मेरे को क्या जरूरत पड़ जाती है कि कभी कभी मैंने कह दिया कि सर यहां पर मेरा पेड़ था, या फिर यहां पर मेरा हॉस्पिटल वगैरह था, कुछ भी था, उसको मैं बेस लाइन के साथ क्या कर दूं कनेक्ट करके देख लूं कि सर यहां पर इसकी भी डिटेलिंग मैं मैप के अंदर ले लूं, तो ये जो डिटेलिंग लेने के लिए आपने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की ना, ये लाइन विल बी नोन एज माय टाई लाइन, दैट लाइन विल बी नोन एज माय टाई लाइन, ठीक है। तो यहां पर सब लोग ध्यान देना कि सर कल जो है 3 PM पे क्लासेस हैं, ये वाली रेगुलर है सर्वे की, बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहा है, चैप्टर वाइज आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये टाई लाइन है, इसी का यही काम है। चेन लाइन आपकी क्या है, जो मेन सर्वे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन है, दैट लाइन विल बी नोन एज माय चेन लाइन, या मेन सर्वे लाइंस भी बोल देते हैं इनको। बेस लाइन आपकी क्या है, जो सबसे मेजर लाइन है, सबसे बड़ी लाइन है पूरे सर्वे की, जो पूरे सर्वे को आपको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है, वो मेरी बेस्ट लाइन कहलाती है। आपकी चेक लाइन क्या होती है, जो चेक करने के लिए काम मिली सर ठीक है, प्रूफ ऑफ निकालना था, चेक वेक करना था, तो वहां पर वो कहलाती है, वो आपकी चेन लाइन, ठीक है। अब देखो ये वाले यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हाँ बिल्कुल। अब देखो किस किस का सही आया ना, कश्मीता जी का सही आया है, राजेंद्र जी का सही आया है, और देखो बाकी लोग भी जवाब देने की कोशिश किया करें, कल से क्लासेस पे टाइम पे आ जाना, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, ऑफसेट्स क्या है। अब देखो ऑफसेट्स के बारे में पूछा है, टाई लाइन क्या है, जो लाइन जो हमने निकाली थी, जो हमने लाइन निकाली थी, वो लाइन तो मेरे पास क्या थी, वो तो लाइन मेरी टाई लाइन थी।
अब ये ऑफसेट्स क्या हो गए सर, इसमें ये ऑफसेट्स क्या कहलाएंगे? डिटेलिंग के लिए फिक्स पॉइंट्स को यहां पर लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पर मैंने निकाली थी, वो तो मेरी टाइमलाइंस थी। अब यहां पर देखो, यहां पर आपके ऑफसेट क्या हो जाएंगे। अब देखो, आपने अगर कोई लैटरल मेजरमेंट्स लिए चैन लाइन से, अब देखो चैन लाइन से अगर मैंने इस साइड से कह दिया कि सर ये मेरी एक चैन लाइन जानी है, इस चैन लाइन से अब यहां से यहां तक के जो मेरे लैटरल मेजरमेंट्स कहलाएंगे, यानी कि ये जो मेजरमेंट्स है ना, अब देखो यहां से आपने कह दिया कि जो ट्री है, यहां पर इस ट्री के लिए आपने मेजरमेंट लिया है, ये जो लाइन लिया है, ये जो आपने लिया है, ये आपका ऑफसेट कहलाएगा, ये आपका ऑफसेट कहलाएगा, यानी कि एक चैन लाइन चल रही है ना। अब इस चेन लाइन से मैं जितने भी यहाँ पर एडिशनल कह दिया ना, ये एडिशनल मैंने मेजरमेंट के लिए यहाँ पर लिए। देखो यहाँ पर मैंने कह दिया कि चलो ठीक है सर, यहाँ से ट्री का लिया है तो ये आपका ऑफसेट है, तो यहाँ पर एक अगेन ऑफसेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक ऑफसेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपने ऑफसेट बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया है तो डेट विल बी नोन एज माई परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर आपने बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा लिया है तो डेट विल बी नोन एज माई ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। तो ये मेरे ऑब्लिक ऑफसेट कहलाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाएगा। तो ऑफसेट मेरे क्या है, ऑफसेट मेरे लैटरल मेजरमेंट्स हैं जो कि मैंने चैन लाइन से लेता हूं। तो चैन लाइन से लिए गए जो मेरे लैटरल मेजरमेंट्स हैं, दैट विल बी नोन एज माय क्या, ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट के बारे में बिल्कुल क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से देखो, अब आगे अदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन कल मिलेंगे उनके लिए हम 3 PM पे। 3 PM पे आप आ जाना। अगर यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको कर लें, क्योंकि मैं आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। उसमें देखो मेरा कुछ फायदा नहीं है, आप लोगों का फायदा है, ठीक है। मेरा कोई फायदा नहीं, आप लोगों का फायदा आपको कैम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो मैं अगर आपसे पूछूं तो देखो, हमारे पास जितनी भी बुक्स है ना, जैसे यूथ पब्लिकेशंस की बुक है, इसके अलावा गुप्ता एंड गुप्ता है, इसके अलावा देखो बहुत लोगों को आरिस खुरबी पसंद है, बहुत लोगों को प्रीवियस ईयर के SSC चाहिए होते हैं। देखो सबको अलग 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 चाहिए होता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इन सबका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाऊं आपके सामने और चैप्टर वाइज मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, अपडेट कर दूंगा मैं प्लेलिस्ट, ठीक है। बट यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको बिल्कुल वेल मैनेज तरीके से हम चलाएंगे और उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे भी ये चाहता हूं मैं कि बिल्कुल 3 PM पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली जुड़ जाएं, और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग आएंगे उतने बहुत अच्छा लगेगा। देखें किसी का कोई है क्या सर, थ्योरी भी पढ़ाते हो? थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाते, थ्योरी पढ़ाते हैं। तो आप अच्छा पढ़ाते, देखो देखेंगे, ठीक है। तो बाकी देखो इतने लोग हैं, सबने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। यहाँ पर कल मिलते हैं, देखो वो वाली बातें अभी आपसे कर लेंगे हंसराज जी, बाकी आपसे बात करता हूँ मैं बिल्कुल पर्सनली, यहाँ पर आपसे बात करता हूँ। बेस्ट है सर, ठीक है। तो बिल्कुल जो हो सकता है ना शॉर्ट एंड स्वीट में जो हमसे बन पाएगा, वो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं देने की आपको कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से हो सकेगा। देखो सर्विंग बिल्कुल एक एक चैप्टर से लेके बिल्कुल मैंने देखा होगा ना, बेसिक से लेके सब मैंने बता दिया कि हाईएस्ट क्वेश्चन कहां तक जा सकता है। उस हाईएस्ट क्वेश्चन तक के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, और मेरे यकीन मानना आप चाहे कोई से भी स्टेट जेई की बात कर लो यार, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। स्टेट ए की बात कर लो, जेई की बात कर लो, SSC JEE की बात कर लो, मेरे से मतलब सर MBBSC के लिए अलग, JKSSB के लिए अलग, UBPSC के लिए अलग है। देखो सबके लिए एक ही है, ये जो बनाया है सबके लिए परफेक्ट बनाया है बिल्कुल, मतलब मेरे से जितना हो पाया उतने मैं कंटेंट आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। कल भी है, लेकिन आप ये है कि आप भी बिल्कुल रेगुलर बने रहना। जिस दिन मेरे को लगा कि आप जो है आप डाउन पड़ते जा रहे हो, उस दिन मैं भी चला जाऊंगा आपके सामने, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, मिलेंगे कल। सर ये क्या कहना, आई इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को बता दू आपसे क्या इसका सेट्स ऑफ माइनर, तो यार ये अभी हम कल देखेंगे, अभी देखो कल देखते हैं हम इसको। सेट्स ऑफ माइनर मेजरमेंट्स इन चेन सर्विंग, देखो ये कह रहा है कि सबसे छोटे छोटे मेजरमेंट्स है ना, माइनर मेजरमेंट्स है। देखो थ्योरी को रिप्रेजेंट कराने के तरीके होते हैं, एक तो होता है प्रॉपर तरीके से, उसने बोला लैटरल मेजरमेंट्स। अब ये बोल रहा है सिर्फ छोटे छोटे मेजरमेंट्स, अब ये कह रहा है कि सर ठीक है यहाँ से अगर मैंने कह दूं यहाँ से फूल पत्ती ले ली, यहाँ से कुछ कुछ ले लिया, तो देखो इस वाली ये वाली जो है आपका सेट्स ऑफ माइनर मेजरमेंट्स, ये आपका ऑप्शन नहीं निकलेगा, पहले बता देता हूं मैं। ये माइनर मेजरमेंट्स आपके बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट्स होते हैं, तो छोटे छोटे मेजरमेंट्स के अंदर मेरी गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि और किसी का कोई बात नहीं है सर, थ्योरी भी पढ़ाते नहीं, लेकिन थ्योरी अभी नहीं करेंगे 3 PM पे हम। देखो मैं देखो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस अगर मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो अगर यदि ऐसे जो फर्जी से हैं या आपके फर्जी से हैं, इनको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो बहुत अच्छे हैं सच में हैं, उनके साथ मैं एडिशनली देके जाता हूं आपको, चार ऑप्शन के साथ साथ पांचवा ऑप्शन भी दे जाता हूं बहुत सी बार, तो ठीक है। तो मिलते हैं कल सर 3 PM। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।